अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और आज का जो व्लॉग है ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैं ये ट्रैवल व्लॉग्स नॉर्मली अपलोड करता हूँ, लेकिन आज मैं ट्रैवल कहीं नहीं कर रहा। डे ऑफ मिला था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डे स्पेंड किया जाए और जो भी एक्टिविटीज़ हों मैं आपके साथ शेयर करूँ। और स्पेशल जो एक्टिविटी आज होगी वो हम कुछ दोस्त हैं जो मेरे पुराने यूनिवर्सिटी के दोस्त 2007 से 2006 से जो मेरे साथ रहे हैं, और आज तक हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप है, फैमिली टर्म्स हैं। तो एक बॉयज़ ओनली, यानी सिर्फ लड़के हों, बॉयज़ तो नहीं मैं कहूँगा, अंकल्स कहूँगा, अंकल्स ओनली। अभी तो हम अंकल ही लगते हैं, अंकल हैं बल्कि। तो हम लोग जो है वो गेट टुगेदर करेंगे, बारबेक्यू का भी प्रोग्राम है तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं। पर कुछ काम है उससे पहले निपटाने हैं जो बड़े ज़रूरी हैं। उनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट है जो ये जो ग्रास आप देख रहे हैं, ये देखें, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ग्रास जो है वो काफ़ी शायद कैमरे में इतनी ना दिख रही हो लेकिन काफ़ी बड़ी हुई है, और यहीं पे हमने लॉन में ही करना है बारबेक्यू जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वो ये ग्रास काटनी है और फिर गाड़ी जो है वो मैंने धोनी है, और स्टार्ट यहीं से लॉन मोविंग से करूँगा। और यहाँ पे जो है ना ये सारा काम मोस्टली 90% जो है वो आपको खुद करना पड़ता है। असल में मकसद यही था आप लोगों के साथ शेयर करने का, कि बताया जाए, आपको दिखाया जाए कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे जो जो डे होता है, जो ऑफ मिलता है, उसमें भी हमें कैसे लेबर करना पड़ती है। और लेबर चूँकि बहुत महंगी होती है, यहाँ पे मटेरियल्स इतना महंगा नहीं है जितनी लेबर महंगी होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि वो किसी भी काम को अगर वो खुद कर सकते हैं तो वो खुद करते हैं। तो हम वो करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ। और मैं जो है ये थोड़ा चेंज कर लूँ, ज़ाहिर है वो जब काटेंगे तो वो गर्दोगुबार और घास वगैरह होगी तो वो कपड़े भी ख़राब हो जाएंगे, तो मैं कपड़े थोड़े चेंज कर लूँ तो फिर मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। जी, चेंज करके मैं आ गया हूँ, और मशीन भी मैं ले आया हूँ साथ। ये लॉन मोवर है, आप लोगों को पता ही होगा, और ये साथ में एक मशीन है, इसे कहते हैं ट्रिमर। ये जो वॉल्स के साथ साथ जो एजेस होते हैं उनको ट्रिम करने के लिए, उसको वहाँ काटने के लिए, ये जो लॉन मोवर है ऑब्वियसली ये जो एजिस पे नहीं पहुँच पाता तो फिर इससे क्लीन करते हैं। और स्टार्ट करता हूँ मैं और देख लेता हूँ पेट्रोल अगर टॉप अप करने वाला है, वो पेट्रोल ये रेड वाली गैलन भी पड़ी है इसके अंदर, मैं टॉप अप कर लेता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। साथ साथ बात चलती रहेगी। और अच्छा, बात कर रहा था मैं लेबर की, तो लेबर जो है ना यहाँ पे बहुत महंगी है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है आपको। मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपका मटेरियल होता है वो सस्ता हो जाता है, सस्ता होता है, और लेबर आपकी जो है ना उससे भी, मटेरियल से भी महंगी पड़ती है। तो लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो अपना का जो काम है वो आप खुद ही कर लें, मटेरियल ले आते हैं और वो खुद कर लेते हैं। जैसे ये वाली मशीन है, इसकी जो वैल्यू है, जो इसकी प्राइस है, वो अगर आप लॉन मो घास किसी बाहर से कटवा लें अगर आप, तो 2 या 3 दफ़ा ही घास कटेगी, और ये इसकी जो प्राइस है ये इसकी उसके इक्वल है, यानी 2 या 3 दफ़ा आप घास कटवाएं और जो मशीन है वो उतने की आ जाती है। तो ये फ़र्क होता है। और बाकी अगर मैं इस चीज़ को सम अप करूँ तो आपको पैसा कमाने के लिए लेबर लेबर करनी पड़ती है बाहर, और पैसा बचाने के लिए भी जो लेबर है वो यहाँ पे ऐसे करनी पड़ती है, यानी पैसा बचाने के लिए भी आप लेबर करते हैं और पैसा कमाने के लिए भी आप लेबर करते हैं, तो यानी लेबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और ये सीन है, पेट्रोल मैंने टॉप अप कर लिया, इससे स्टार्ट करेंगे पहले। का काम, ट्रिमर का काम हो गया। अब मैं ये मेन ये जो मशीन है इसको स्टार्ट करता हूँ। ये जी ये फिनिश प्रोडक्ट है हमारी, घास काट के ये देखें कितना क्लीन हो गया, बेहतरीन और ग्रीन, बहुत बड़ा अच्छा लगता है आंखों को भी, ग्रीन रंग जो है, ग्रीन कलर जो है वो अच्छा लगता है। और इसके हेल्थ इश्यूज़ भी जो होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स आई मीन के बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ये पाकिस्तान में कोई घर होता तो इसको घास उखाड़ के तो यहाँ पे कंक्रीट बिछा दी जाती,
ऑब्वियसली घास के जो अपनी मेंटेनेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके हेल्थ इश्यूज भी बड़े, जो इश्यूज बार बार मैं कह रहा हूँ, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और बहरहाल इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अभी मैं स्टार्ट करता हूँ अपना गाड़ी का काम, उसको साफ़ करता हूँ, पहले मैं वैक्यूम करूँगा और फिर उसको हम बाहर जो जाएंगे धोने जाएंगे। गाड़ी की आप हालत देखिए कितनी गंदी हुई है। जो बच्चों के जूते पड़े हुए हैं, और ये देखो बस टाइम की बड़ी कमी होती है यहाँ पे, बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को मेंटेन रखना। ये देखें, इसको हम पहले वैक्यूम करते हैं, सारी रविश निकालते हैं, फिर इसको बाहर से धोने जाएंगे। कार वॉश पे पहुंच गया हूँ। ये एक दो तीन बेस हैं और एक चौथा वो है, और ये वाला जो है ना ये ऑटोमेटिक है, ये भी मैं कभी आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर गाड़ी चली जाती है और पेमेंट आप कर देते हैं तो ये सारी फंक्शन खुद ही करती है, गाड़ी मशीन जो लगी हुई अंदर ये खुद ही चलता है और सारा उसको क्लीन करता है। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमें खुद करना पड़ता है कॉइन्स डाल के, तो ये खुद करना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे कॉइन डालते हैं, यहाँ पे ऐसे कॉइन डालो मैं, और ये मुझे 2 मिनट देगा। ये हाई प्रेशर रिंस है, रेनेक्स है, वैक्स, सॉफ्ट वाटर रिंस, फोमिंग ब्रश, ये सारे ऑप्शंस हैं, तो ये मैं करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बारबेक्यू हमारा प्रोसेस में है और दोस्त जो हैं, जो मैंने बताया था आप लोगों को कि दोस्त आ गए हैं, बॉयज़ ओनली प्रोग्राम है, बॉयज़ तो नहीं है दिखने में, अंकल हैं मेरी तरह के, ये आपसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको। ये अली हैं जी, और कुछ कहना चाहेंगे? सबको अस्सलाम वालेकुम। ये अली मोइन है जी, मोइन कुछ कहना चाहेंगे? ये मोइन की बेटी है माशा, हाँ जी, ये मोइन के डैड है। थैंक यू, हाँ बता दिया। और एक जो है हमारे जो वन एंड ओनली वकास, वकास भाई वो अंदर हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो आ जाते हैं तो वो भी इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे और आप लोगों के साथ गपशप रहेगी। और ये बारबेक्यू चल रहा है और ये सारी चीज़ें हैं, तो कैसा चल रहा है, कैसी लाइफ चल रही है? ठीक है, ठीक है। और कैसा फील हो रहा है विदाउट फैमिली, गप्पे मार रहे हो, फ्रीडम फ्रीडम एंजॉय कर रहे हो? और मौसम भी बहुत अच्छा है, मौसम भी बड़ा अच्छा है, परफेक्ट फॉर बारबेक्यू। अच्छा, कुछ दोस्त अक्सर पूछते हैं कि यार वहाँ पे समर है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन दिनों समर होता है और बाकी आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आप देखें तो विंटर चल रहा होता है, और यहाँ पे उलट है, यहाँ पे समर है, और आप देख ही सकते हैं सबने हाफ टी शर्ट और टी शर्ट पहनी हुई है, हाफ स्लीव्स, और ये सीन है। आप लोगों का किसी का दिल चाह रहा हो तो आप अपना अपना बनाएं और खाएं। जाहिर है मैं आपको दिखा ही सकता हूँ और दे तो नहीं सकता, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल ऑडियंस है मेलबर्न जो है, अगर किसी का आने का प्लान है तो ये बेस्ट टाइम है आने का, बिल्कुल घूमने का, इधर काफ़ी अट्रैक्शंस हैं और मेलबर्न आने का बेस्ट टाइम है। और ये जो मोइन भाई हैं जिनको मैंने कैमरा दिया हुआ है, ये हमारे एस्पायरिंग जो है ना वो यूट्यूबर है, इंशाल्लाह इज कमिंग सून, उनको भी आप देखेंगे, और इंट्रोड्यूस मैंने करवा दिया।
और इंशाल्लाह ये भी व्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं। तो एक अंदर है हमारे भाई साहब, वो भी व्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं, उनको बहुत व्लॉगिंग आई हुई है आजकल तो वो शुरू करेंगे। और थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने जो कल मैंने रिव्यू दिया उसका बड़ा अच्छा फीडबैक दिया आप लोगों ने। बड़े बड़े अर्से बाद जो मेरी वीडियो है वो टॉप रैंकिंग में गई है, तो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट आपने डिमांड किया है कि वो क्या था कि नेक्स्ट एपिसोड को रिव्यू करूँ, तो इंशाल्लाह वो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा। ये जी सीख कबाब हैं, और जो इंडिया से दोस्त हैं वो शायद डिफरेंट तरीके से बनाते हों, लेकिन हम लोग जो पाकिस्तानी हैं वो हम इस तरह से करते हैं इसको। इसको हम कहते हैं सीख कबाब। और ये जो है चिकन है, बोनलेस है, थाई फिलेट्स हैं, और ये वकास हैं जी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों की। ये भी वन ऑफ द एस्पायरिंग यूट्यूबर्स हैं, इंशाल्लाह ये आ रहे हैं मार्केट में, आ रहे हैं, इनका माइंड बना रहे हैं। चैनल लाइव होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये जी हमारा बॉयज ओनली था, देख लें अब कितने को बॉयज लगते हैं हम लोग और दिल से बॉयज होना चाहिए। हाँ। और वकास सुनाए जरा अपनी कारगुजारी जो आप। अच्छा दोस्तों को मैं बता दूं कि ये वकास जो है, मेरी तरफ करो ना यार। अच्छा मैं दोस्तों को बता दूं कि ये वकास जो है, ये भी रिसेंटली ट्रिप था इनका टर्की का, यूके का, और ये विदाउट फैमिली के बगैर गए थे और बड़ा इंजॉय कर रहे थे वहाँ पे, बड़े हंस रहे थे। आप बताओ ना जरा। शुरू में दो दिन फैमिली को बहुत मिस किया, मतलब बच्चे को मिस कर रहे थे, शुरू में मिस किया, बाद में मिस होता है। बात सब तो मैंने कसम खाई कि पूरा कभी कैसा है, घर से भाभी से पूछते हैं। बैठना नहीं है, देखने जरा उधर, ये मैंने कैमरामैन बनाया हुआ अपना, ये उधर देखें जरा, उठे हिम्मत करें जरा, नर्वस हो रहे हो नर्वस आ रही है। अच्छा इन्हीं पे कैमरा रख लिया, इसी पे कैमरा रख लिया, नर्वस हो रहा है। अंकल बैठे हुए इसलिए जरा, मैं जरा वो होता है ना एज ग्रुप पे, जरा क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा एक मिनट करना, मुझे आवाज कम आती है। अच्छा अच्छा दोस्तों ने कुछ कहा था, मुझे कमेंट्स किए थे कि लास्ट मेरी जो मैंने व्लॉग बनाया था उसके अंदर वीडियो सॉरी ऑडियो का थोड़ा इशू था, तो उस चीज़ को मैंने भी रियलाइज़ किया, मैंने भी उसको देखा, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस व्लॉग के अंदर ऐसा इशू नहीं होगा। एक तो आपको पता है वो नॉइज़ काफ़ी था सिटी के अंदर जा रहा है, और सराउंडिंग का शोर होता है, और बाकी ये था कि थोड़ा ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी का भी मसला था, तो इंशाल्लाह ये इसमें कोशिश करूँगा इसको मैं ओवरकम करने की। और बाकी ये चल रहा है इंशाल्लाह, ये जैसे रेडी होता है फिर हम खाएंगे और आपको दिखाएंगे, आप थोड़ा आपके मुंह में पानी दिलाएंगे जरा। हमने स्पेशल रिक्वेस्ट किया हमें से कि प्लीज हमें बारबेक्यू खिलाएं, क्योंकि इसके हाथ का टेस्ट जो है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। ये हम लोगों ने ना अमेरिकन सिस्टम किया, मीट कोई और लेके आया, ये मीट जो कैमरा मैन है हमारे ये लेके आए हैं, कुछ चीजें उन्होंने कंट्रीब्यूट की, कुछ मैंने की, कुछ ने कुछ ने लानी थी जो नहीं लाए। हां कुछ ने लानी थी वो नहीं लाए। अच्छा और अच्छा ये जो दोस्त हैं मेरे, ये करना जरा, ये वकास अली और मैं, हम लोग तीनों जो हैं ये यूनिवर्सिटी से फ्रेंड हैं 2007 से, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारी दोस्ती है और फैमिली टर्म्स हैं अब तो माशाल्लाह से। और ये जो अपनी तरफ करो यार, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, अपनी तरफ कर लो ऐसे घुमा के। ये मोइन, ये अली के थ्रू इनसे मुलाकात हुई थी, इन्होंने बाद में एंट्री की थी।